हेलो हेलो डिवाइन ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या करेंगे वो, कुछ लेंगे कि नहीं लेंगे एक्शन, या ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्या उनकी फीलिंग्स चल रही है। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आपके जो भी क्वेश्चंस है कमेंट में लिखिएगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिस्पॉन्ड करूँगी, या हो सकेगा तो कम्युनिटी पोस्ट में कुछ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड डेफिनेटली आ रहा है, तो एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डेफिनेटली आपके पर्सन की बढ़ रही है। अगर सपोज वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे पहले जरा भी, आपको लगता था कि ये पर्सन तो जरा भी स्पिरिचुअल नहीं है, बहुत डिफरेंट है मुझसे, या उनको लगता था कि वो आपसे बहुत डिफरेंट है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, वो उनकी लाइफ बहुत डिफरेंट है, तो अभी थोड़ा मुझे चेंज आते हुए दिख रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव में। वो भी थोड़े थोड़े धीरे धीरे स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ रहे हैं, कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि गॉड उनको खींच रहा है अपनी तरफ, वो नहीं चाहते हुए भी खींचते हैं उनको। और 9 नंबर एक कंप्लीशन का कार्ड भी होता है, समझ रहे हो। जब उनके सारे कार्मिक साइकिल्स क्लियर होने लग जाते हैं धीरे 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 धीरे, आप देखोगे उनकी लाइफ में डेफिनेटली वो एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। उनको खुद को कार्मिक लोगों में इंटरेस्ट आना कम हो जाता है, उनको ये सब रिलेशनशिप से एकदम जो होती है ना, जो अपनी लाइफ में जो उनकी कुछ इतनी इंपॉर्टेंस नहीं लगती, उनको लगता है कि यार ये सब क्या है, मतलब उनको एक क्वेश्चंस अलग टाइप के उठने लग जाते हैं उनके दिल में, दिमाग में, कि क्यों आया हूँ इस धरती पे, या क्यों आई हूँ, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस उनके दिमाग में उपजने शुरू हो जाते हैं, या फिर वो खोजना शुरू करते हैं कि लाइफ पर्पस क्या है, ये सब चीज़ उनका स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली इमोशनल लॉस डेफिनेटली फील कर रहे हैं, उनको इमोशनल लॉस फील हो रहा है, ऐसे नहीं आपके लिए इमोशनल लॉस फील नहीं कर रहे हैं, उनको हार्ट में पेन है। ये एक तरह से बोलूँगी 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन इसमें देख रहे इंसान, इसमें कुछ 3 ऑफ कप्स नहीं दिखाई दे रहा, या 2 ऑफ कप्स नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी और नहीं दिखाई दे रहा वो इंसान को। इनके देखो यहाँ से सन से एक रेज आ रही है, इनकी एक हार्ट चक्र ओपनिंग बोल सकते हो, तो उसकी वजह से क्या इनको दिल में बहुत दर्द हो रहा है कि उन्होंने अपने साथ गलत किया, अपने प्यार की तरफ एक्शन नहीं लिया, या बढ़े नहीं। ये चीज़ डेफिनेटली ये पर्सन को फील हो रहा है या हो रही है, जो भी है आपके पर्सन। उनका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेशन है, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है ना तभी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हम धरती पे क्यों आए हैं, मेरा क्या पर्पस है, ये रिलेशनशिप्स मुझे क्यों मिले, इस लड़का या लड़की से मैं क्यों मिला या मिली, ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में आगे आते जा रहे मैं ऐसे बोलूँगी। और सैक्रल चक्रा भी उनका देख रहे हो तो बैलेंस हो रहा है, क्योंकि सैक्रल चक्रा हो सकता है कि पर्सन का बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो, इसलिए बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप में दूसरों के साथ में चले जाना, माइंडलेस सेक्स में चले जाना, या उनकी मतलब प्लेजर बहुत ज़्यादा उनको लाइफ में चाहिए, बहुत ज़्यादा उनको ये सब चीज़ें कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा उनको लोभ होना, ये सब चीज़ उनकी हो जाती है अगर जिनका सैक्रल चक्रा बिगड़ा हुआ होता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है इसलिए उनको इमोशंस फील नहीं करवा पाना, क्योंकि सैक्रल चक्रा वाटर एनर्जी होती है, उसमें वाटर से कनेक्टेड है, मून से कनेक्टेड है। तो अगर आपका पर्सन का मून बिगड़ा हुआ है या मून अच्छे हाउस में नहीं है, तो भी उनका सैक्रल चक्रा है ना बहुत ख़राब रहता है, तो ये समझ के चलिए। तो इस वजह से आपके पर्सन का वो क्या सैक्रल चक्र बहुत बोलते हैं ओवर एक्टिव ऐसे था अभी, लेकिन थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता था, जैसे ही सैक्रल चक्र भी बैलेंस होना शुरू होता है, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक तक की तरफ बढ़ते हो, आपके अंदर के क्वेश्चंस बढ़ने शुरू होते हैं, आपको ये रिलेशनशिप्स मीनिंगलेस लगने लग जाती है। जब रिलेशनशिप दूसरे मीनिंगलेस लगने लग जाती है, तो उनके साथ में वो कुछ फिजिकल रिलेशनशिप करने में या बातचीत करने में भी उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। इंसान को रिकग्निशन है, रिवॉर्ड, वो आपके ऐसा नहीं है कि आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं और उसका रिवॉर्ड भी करेंगे, ऐसा नहीं रिवॉर्ड नहीं करेंगे, वो आपके एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, मैं ऐसे बोलूँगी, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि हाँ ये पर्सन बहुत मेरे पे एफर्ट्स डाला या डाली है, मैं जो ये देखना, और उसके लिए आपको देखो रिवॉर्ड भी देंगे इस इंसान को, देखो जिस तरह से हाँ वो पहनाया हुआ है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिवॉर्ड आते हुए दिख रहा है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड आ रहा है, तो एक मुझे लग रहा है एक नई शुरुआत करने का भी सोचते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सोचते, एक जड़ें आप लोगों की बहुत मजबूत है आपके रिश्ते की। अगर आप कुछ लोगों को बार बार डाउट आता है ना कि ये मेरा रिश्ता उससे होगा कि नहीं होगा ये, तो आप याद रखिए आपकी फाउंडेशन कैसी है। अगर आपके दिल में उनके लिए अगर खाली नफरत है, गुस्सा है, तो वो एक्सपेक्टेशन की वजह से हो जाती है, लेकिन जब वो गुस्सा शांत होता है तो आप देखिए कि आप उनके लिए लव फील करते हो या प्यार फील करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जड़ें बहुत स्ट्रांग है, ये याद रखिए। और उनकी तरफ से भी है, एक ही एक हाथ से नहीं हो, दोनों हाथ एक साथ में आते हैं तभी होता है, तो ये चीज़ आप समझ के चलिए। और सोलर प्लेक्सस, उनको थोड़ा करेज भी चाहिए ये स्टेप लेने के लिए या लोगों के सामने एक्सेप्ट करने के लिए कि आपके रिश्ते को, उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेज ही नहीं होता ये रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लोगों के सामने कि लोग क्या कहेंगे,
कि मैं किस टाइप के पर्सन से हाथ में इन्वॉल्व हूँ, मैं किस टाइप के पर्सन से हाथ में है ना वो हूँ। अगर ये जो लोग नॉन कॉन्टेक्ट जोन में हैं, जो बातचीत नहीं कर रहे, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है ये रीडिंग, क्योंकि वो समझ पाएंगे अपने पर्सन की क्या कि वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि क्योंकि नॉन कॉन्टेक्ट जोन में होते ना, उनको ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि वो पर्सन क्या बोल रहा है नहीं कर रहा है। जो लोग बातचीत करते रहते हैं उनको समझ में आ जाता है फिर भी थोड़ा बहुत कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, लेकिन जो लोग ज़रा भी बातचीत नहीं करते ना, उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखो उनका भी क्या, वो पेशेंस आपने बहुत रखा है, उनको भी लग रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है। देखो ये पेशेंस लेकिन बीज इसका फ्रूट निकल रहा है। पेशेंस का रिजल्ट कभी भी, टेम्परेंस का कार्ड भी है ये याद रखिए। इसमें जो लोग एक दो अलग डायरेक्शन में होते हैं ना, वो भी साथ में आ जाते हैं, लेकिन टेम्परेंस का एक मेन मीनिंग क्या होता है, पेशेंस। इसमें पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पेशेंस डेफिनेटली आपने बहुत रखा है, लेकिन आपका पेशेंस भी ऐसे बोलते हैं ना, पेशेंस फ्रूट देता है उसका, कभी कभी जो टाइम पे जिस टाइम पे आपको फ्रूट मिलना चाहिए वो मिलता है। और इसमें देखो दो एकदम अलग डिफरेंट दिखने वाले, इसमें यहाँ पे पर्पल लाइट है, यहाँ पे या ना येलो लाइट है, तो मतलब दो डिफरेंट पर्सन है लेकिन एक ही पर्सन वो ए आप लोग दोनों भले ही बाहर से अलग दिखो, आपकी कोर वैल्यू दोनों की सेम है। ये चीज़ आपके पर्सन को समझने आनी बहुत ज़रूरी है, समझिए। अंदर से आप दोनों सेम हो, क्योंकि आप लोग ट्विन सोल होते तो स्पेशली उसमें एक ही सोल आप लोग दोनों की होती है, तो वो भले बाहर से 3D लेयर दोनों की अलग अलग छड़ी हुई है, तो आप दोनों की अपब्रिंगिंग अलग तरह से है, तो वो अलग इसलिए लेकिन आपको तभी तो लगता है ना कि ये पर्सन इतना डिफरेंट है मुझसे, तो अभी मैं इतना क्यों खींचता हूँ इसकी तरफ या खींचती हूँ, यही तो एक क्वेश्चन है सबसे बड़ी। और मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आ रही है, विक्ट्री डेफिनेटली आपको मिलेगी, ऐसा नहीं कि विक्ट्री नहीं मिलेगी, आपके पर्सन एक विक्ट्री की तरफ, मुझे लग रहा है जो क्या सोच रहे हो उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आपके क्या फ्यूचर के खोल रहे कि क्या होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। तो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी मुझे आती हुई दिख रही है। मैं बार बार बोल रही हूँ, हो सकता है आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में टाइम स्पेंड कर रहे हो, अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी के साथ में नहीं हो, क्योंकि वो अपने अंदर के आंसर्स खुद ही खोज रहे हो। तो वापस 9 नंबर का कार्ड है, उनको स्पिरिचुअलिटी बार बार खींच रही है, ये एक तरह का हर्मिट का कार्ड भी है। जब इंसान हर्मिट मोड में चाहता है तो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है और बहुत ज़्यादा अपने हर फीलिंग को है ना वो समझने की कोशिश कर रहा है, हर अपने ना रिएक्शन एक्शन को समझने की कोशिश करता है, ये बहुत ज़्यादा गहराई में जाके सोचने की बात होती है। तो वो चीज़ सोच रहे हैं, उनको ये भी समझ में आ रहा है कि वो इतने क्यों टेम्पटेशंस में आ जाते थे और क्यों इतना मतलब दूसरों दूसरी चीज़ों की तरफ इतने अट्रैक्टेड हो जाते थे, ये सब अपने टेम्पटेशंस के बारे में भी सोच रही है, अपने टेम्पटेशन को भी अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं अवॉइड कर रहे हैं, ये अपने टेम्पटेशंस को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका थ्रोट चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है, जैसे उनके टेम्पटेशन कम होगी सैक्रल चक्र बैलेंस होगा, उनकी टेम्पटेशंस कम होगी, डेविल एनर्जी उन पर कम होगी, तो डेफिनेटली वो उनका तो चक्र भी एक्टिवेट होगा और आपके साथ में रीयूनियन में आने का वो सोचेंगे। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड है ये, तो आपके साथ में एक रीयूनियन में आने की तो चक्र एक्टिवेट होगा, तभी तो रीयूनियन होगा, कि अभी तो आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे। स्पेशली जो लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में, उनके लिए ये रीडिंग एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आपके पर्सन सपोज आपसे बातचीत नहीं कर रहे, कंप्लीटली ब्लॉक करके रखे, तो उनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने ऐसा इस तरह की क्यों किया। उनको टेम्पटेशन होती है आपसे बात करने की, ऐसे नहीं कि टेम्पटेशन नहीं होती उनको भी, उनको भी होती है टेम्पटेशन आपसे बात करने की, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन आपके साथ में रियूनियन में आने के लिए, कि कुछ उनके जो फैक्टर्स है, जो उनकी अपब्रिंगिंग है जो उनको रोकती है, उसकी वजह से ये इंसान क्या रुक जाता है वो टेम्पटेशंस की वजह से आपके पास आने से। लेकिन अब वो उन पर वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि थ्रोट चक्र एक्टिवेशन का कार्ड भी आ रहा है, तो हो थ्रोट चक्र एक्टिवेशन बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि थ्रोट चक्र एक्टिवेट करने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि गॉड का सबसे मेन रीज़न आप लोग का थ्रोट चक्र ब्लॉक करने का क्या होता है आपके आपके पर्सन का, क्योंकि आपके पर्सन अनअवेकंड है, आप भी कम्प्लीटली अवेकंड नहीं हो, आप अवेकनिंग के प्रोसेस में हो, तो दोनों के अंदर नेगेटिव लेयर्स बाहर निकलती रही है, निकल रही है। तो आप उस जब नेगेटिव लेयर्स निकल रही है तो आप दोनों शायद एक दूसरे को समझ ना पाओ, एक दूसरे को कुछ गलत शलत बोल दो, गलत कुछ तरह से फाइट कर लो, क्योंकि आप लोग की ईगो क्लैश होती है ना, ट्रिगर एक दूसरे को देने के लिए आप लोग आते हो, तो ट्रिगर एक दूसरे को दोगे तभी आप लोग अपने आप पे काम करना शुरू करोगे ना, तो वही बात हो गई। तो इसलिए गॉड के आपका थ्रोट चक्र उनका ब्लॉक करके रखा है, आपका ब्लॉक करके, जब तक आप लोग की सारी लेयर खत्म नहीं हो जाती, बहुत 90% या 80% लेयर खत्म उतर नहीं जाती, तब तक आप लोग का थ्रोट चक्र ब्लॉक किया जाता है। और जो लोग के जो कम्युनिकेशन होते रहते हैं ना, उनके या तो उनके इतने इश्यूज नहीं होते, समझ रहे हो, तो उनके इतने ज़्यादा उस तरह के ट्रिगर अपने पार्टनर से नहीं मिलते, उनको उस ट्रिगर अपने फैमिली वालों से या सब लोगों से मिलते हैं, ये याद रखिएगा।
तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आपका थ्रोट चक्र इसलिए ब्लॉक किया जाता है। अभी थ्रोट चक्र आपका एक्टिवेशन की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे नहीं कि एक्टिवेशन की तरफ नहीं बढ़ रहा है। ये रीयूनियन होगा आप लोगों का, ये बिलीव रख के चलिए। आपका अगर फेथ और बिलीव नहीं है ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। याद रखिए आपके पर्सन अनअवेकंड है। जब अनअवेकंड पर्सन होता है तो उसको कुछ मालूम नहीं है, उनके पास क्या ऐसे गुस्सा है। मैं कल मैंने कभी नहीं पोस्ट बनाया, उनके पास गुस्सा है, एंगर है, ईगो है, कि उनकी कंडीशनिंग इस तरह से की गई, उनका वैसल उसी तरह से भरा हुआ है उनका हार्ट का। जब आप धीरे धीरे करके वो वैसल का पानी गिराते जा रहे हो, उनके ईगो को आप ट्रिगर कर करके उनका वो ईगो, जब भी आप उनको टच करते हैं और उनकी बातचीत करने की कोशिश करते हो, वो एंगर दिखाते हैं या आपकी डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं या आपको कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं या आपको अपना ईगो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, तो वो धीरे धीरे उनका सरफेस पे आता है ना। जैसे जैसे आपके चक्र एक्टिवेशन होते हैं, उनके भी होते हैं, तो वो सरफेस पे बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। तो वो जैसे जैसे छलक रहा है, बाहर छलक रहा है, वो निकलने के लिए छलक रहा है ना, वो बाहर निकल रहा है। अभी जब किसी को वो ना हो जाती है कुछ बॉडी में गर्मी हो जाती है तो फोड़ी निकल जाती है, तो वो पस निकलता है ना, तो वो कैसे वो पस निकल के निकलती है ना बाहर, क्योंकि उसको निकालना पड़ता है ना। थोड़ा सूखा हो टैबलेट से या उसको निकालो बाहर, जो बाहर आ चुके उसको तो निकालना ही पड़ेगा। तो वैसे ही है, जो बाहर आ चुका है वो सरफेस पे आ चुका है, उसको निकलना ज़रूरी है, तो वो निकलेगा आपके पसंद का। और जैसे जैसे वो वैसल खाली होता जाएगा, आपका जो आप उनको इतना लव भेज रहे थे, फिर वो कप में उसके उनके फील किया जाएगा, तब वो आपके लव को समझेंगे, तभी वो आएंगे, समझ लो। इसमें इसलिए एक ही पर्सन को इनर वर्क करने दिया जाता है, दूसरे पर्सन को भी उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि उनको जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है वो आप नहीं गुजर सकते, उनको बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, उनको लेसन सिखाए जा रहे हैं। तो वो सब चीज़ मुझे ऐसे आपको लग रहा है कि हाँ कि इतना ईजी है, ईजी नहीं होता ये भी उनके लिए भी। देखो मुझे क्या लग रहा है, फैमिली आपके जो उनके फैमिली इंटरफेरेंस था वो मुझे डिक्रीज होते हुए दिख रहा है अभी आपके पर्सन की लाइफ में। जो फैमिली इन्फेंट इंटरफेरेंस था या फैमिली लोग बहुत ज़्यादा उनको गाइडेंस दे रहे थे, भड़का रहे, तो वो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो कम हो रहा होता जा रहा है, क्योंकि आपके पर्सन खुद टेकिंग स्टेप्स, वो खुद स्टेप्स ले रहे इस तरह से कि उनकी फैमिली वाले उनको इन्फ्लुएंस ना करें, वो अपने डिसीजंस खुद अपने बेसिस पे ले, अपने टेकिंग स्टेप्स का कार्ड आ रहा है। वो लविंग को आपके लव, आप जब भी उनको लव एक्सप्रेस कर रहे हो तो उनके अंदर भी वो फीलिंग इंक्रीज़ हो रही है। ऐसे नहीं कि इंक्रीज़ नहीं हो रही, आप अपनी फीलिंग उनको एक्सप्रेस करते हो या आप उनके पास जाते हो, लविंग वुमेन या लविंग मैन जो भी आपका केस है, तो उनको डेफिनेटली एक उनकी इंक्रीज़ होती है फीलिंग उनके अंदर लव की। और फैमिली फ्रेंड्स एंड गाइड जब उनको जब ज़रूरत होती है, उनको लग रहा है कि ये उनका आपको सोचते हैं कि ये जब लव मेरे लिए इतना है कि मेरी फैमिली और फ्रेंड्स एंड सबके लिए करेंगे क्या, या हो सकता है जो उनको फैमिली और फ्रेंड्स ने जो पॉजिटिव चीज़ बोली है आपके बारे में वो चीज़ उनको याद रहती है, ऐसे बोल सकती हूँ, तो वो चीज़ वो सोचते हैं आपके बारे में। और न्यू बिगनिंग के बारे में डेफिनेटली सोच रहे, ऐसा नहीं है। अब मैं बोलूँगी न्यू बिगनिंग एक साइकिल तो शुरू हो ही गया है, वैसे तो आप मिली मान के चलिए आपका एक न्यू बिगनिंग का साइकिल चालू हो ही गया है। और जो लोग का याद है जिनका 2020 में या जो जनवरी 2020 के बाद में जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई था 2020-21 में, तो उनका देखिए आपका शनि का वो शनि जब कैप्रिकॉर्न में था तभी आया आप लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट हुई होगी। अभी शनि के एक्वेरियस में जा रहा है तो हो, अभी काफ़ी लोगों के जो पार्टनर्स हैं जो उनके अवेकन नहीं हुए अभी तक, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होने का बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ये आप देखिएगा कि आपके आने वाले टाइम में आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट होते हुए आपको दिखाई दे, और न्यू बिगनिंग डेफिनेटली हो रही है आपकी लाइफ की, उनके लाइफ की। हो फ्रेंड्स आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।